हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान ज्योति एसिस ट्यूटोरियल पे। तो जैसे कि आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के सेशन, जिसमें कि 25+ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चंस में डाउट भी बनते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो अभी डाउट चल रहा है आप लोग अभी अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बाद में आगे शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अभी क्वेश्चंस की जो संख्या है कम करवा रहा हूँ, आगे चल के शायद आपको एक दिन में 50-50 क्वेश्चंस एक प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा, तो शायद आगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो पीछे का जिस चीज़ रहता है वो पीछे ही रह जाता है। और एक और चीज़ की यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी करना चाहते हैं और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे भी आप लोग अपना डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रडार का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, यानी अल्बर्ट टेलर जो है रडार का आविष्कार किया था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन टू में है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में है थायमिन, बी में है रेटिनॉल, सी में है नियासिन और डी में है बायोटिन। तो टू का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, यानी रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में है कि चुंबकीय प्रेरण की एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन ए में है वेवर, बी में है टेक्सला, सी में है ल्यूमेन और डी में है पास्कल। तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ठीक है। टेक्सला होता है चुंबकीय प्रेरण की एसआई मात्रक, क्योंकि आपके जो नेवी एमआर का एग्जाम होगा ना, उसमें एक नंबर का एसआई मात्रक से प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे, ये कन्फर्म है। जो मैं आपको ई बुक दूंगा तैयार कर रहा हूँ अभी, उसको मतलब हो सकता है 10 से 15 दिन में वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो प्राइस है ₹50, ओनली फॉर ₹50 है। साइंस का अलग रहेगा, मैथ का अलग रहेगा और आपका जीके का अलग, करंट अफेयर्स का अलग अलग सारा रहेगा, लेकिन अलग अलग सबका ₹50 रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों को पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको कोई एग्जाम में डाउट नहीं रहने वाला है, बिल्कुल एकदम कन्फर्म है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर में है कि विटामिन बी के आविष्कारक कौन है। तो ऑप्शन ए में है मैकुलन और बी में हॉपकिंग्स, ठीक है, और सी में फंक, डी में होलकट। तो फोर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, मैकुलन जो है विटामिन बी के आविष्कारक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव में है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, ए में, बी में प्रोटोनों की संख्या के, सी में न्यूट्रॉनों की संख्या के, डी में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों के। तो फाइव का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों के, ठीक है, क्रमांक बराबर होता है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स में है कि प्रकाश का प्रकीर्ण किस सिद्धांत पर निर्भर करता है। जो प्रकाश का प्रकीर्ण होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, कार्य करता है। तो ये है अपवर्तन, बी में परावर्तन, सी में विक्षेपण, डी में विवर्तन। तो सिक्स का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, यानी विक्षेपण, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन में है कि एटम बम का सिद्धांत क्या है। नाभिकीय संलयन, बी में नाभिकीय विखंडन, सी में दोनों और डी में कोई नहीं। तो सेवन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, यानी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन एट में है कि प्रक्रिया जिसमें निकाय से न ऊर्जा न उष्मा ली जाती और न दी जाती कहलाती है, क्या कहलाती है। रुदोष्म, बी में समतापीय, सी में उष्मा गतिज और डी में है एंट्रोपी। तो जो एट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, ठीक है, रुद्रोष्म। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन में है कि नाइट्रोजन परमाणु में 7 प्रोटॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्राइट आयन में होते हैं। 4 प्रोटॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन ए में है ऑप्शन में, बी में 7 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन, सी में 4 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 प्रोटॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन। तो 9 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, 7 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन नाइट्राइट आयन में होते हैं। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में है कि हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है। तो 10 का क्या हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, ए में है, बी में नाभिकीय संलयन, सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, यानी कि नाभिकीय संलयन पर ये सिद्धांत है।
ठीक है। तो ये देखिए, अभी मैंने आपको एक करवाया भी, जस्ट मतलब कि इस पे करवाया अभी, ये क्वेश्चन था एटम बम का, था ना एटम बम का, ये दोनों था। और यहाँ पे जो ये चल रहा है अभी आपका ये क्वेश्चन हाइड्रोजन बम का, तो इसमें हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर ये सिद्धांत है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में, कि सबसे भारी कण है अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और डी में न्यूट्रॉन। तो 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, अल्फा जो होता है सबसे भारी कण होता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में, कि आवेश है, आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, प्रोटॉनों का प्रवाह, न्यूट्रॉनों का प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, ठीक है। और एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे जान लीजिए, कि बहुत सारे बच्चे का जो कमेंट आता है कि सर इतना इजीली नहीं आएगा, तो आप लोग ने इस बार तो पेपर सब लोगों ने देखा, ना हार्ड था ना और ना ही लो था, यानी कि मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस था, तो मैं वैसे ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है, एग्जाम तक बिल्कुल मेरे ऊपर टेंशन छोड़ दो, बस सारा मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में, कि अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त गैस है NO2, ऑप्शन ए में, बी में CCl3N2O, मतलब इस प्रकार से CCl और उसके बाद में आपका 3 और N2O, ठीक है, इस प्रकार से है आपका, देख लीजिएगा। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ठीक है, CCl3N2O। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में, कि मांसपेशियां थकान अनुभव करती है क्योंकि उनमें जमाव हो जाता है, क्या चीज़ का, एलसीएल, एचसीएल का, यूरिक अम्ल का, एसिट्रिक अम्ल का, लैटिक, लैक्टिक अम्ल का। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, लैक्टिक जो अम्ल है, मांसपेशियां जो थकान अनुभव कराती है, वो मतलब कि जमाव हो जाता है, इस कारण से मांसपेशियां थकान अनुभव कराती है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में, कि रक्त का दबाव मापने में काम आता है। तो 15 के क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना सही आंसर, ठीक है, सिफगोमैनोमीटर, जो कि देखिए यहाँ से भी आपके एक नंबर के प्रश्न बनते हैं हर एग्जाम में, तो मैं आपके माप से भी आपके प्रश्न को बता देंगे ई बुक में। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में है, कि ज्वार भाटा आने का कारण है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, बी में पृथ्वी की घूर्ण गति, सी में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, डी में चंद्रमा की परिभ्रमण गति। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पर, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके सॉरी यहाँ पे बल पर नहीं, यहाँ पे बल के कारण, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में है, कि किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर होता है, कितना होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन ए में 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी में 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी में 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, यानी कि 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में है, कि टंका लगाने का तार, सोल्डर वायर किन धातुओं से बना होता है, जो टाका लगता है वो किस धातु का बना होता है। तो ऑप्शन ए में SN+PB, बी में Cu+ZN, सी में Cu+ZSN और डी में ZN+SN, इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक में आपको बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ना है। तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना सही आंसर, SN+PB, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन में, कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो 19 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना सी आंसर, 4 हो जाएगा। कार्बन के जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 4। उसके बाद देख लीजिए ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है देख लीजिए पक्षी विज्ञान, बी में कीटाणु विज्ञान, सी में परमाणु विज्ञान, डी में है चिकित्सा विज्ञान। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, पक्षी विज्ञान, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन में, कि वर्धनता रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो 21 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, विटामिन ए के कमी के कारण वर्धनता रोग होता है, और यहाँ से एक नंबर के आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। उसके बाद देख लीजिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में कि मुख्य तार फ्यूज परिपथ में किस तार से जोड़ा जाता है। मुख्य धारा तार, उदासीन तार, भूगर्भ तार, डी में किसी से भी। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, यानी मुख्य तार से फ्यूज परिपथ में तार से जोड़ा जाता है। उसके बाद देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन में कि क्यू से किसका मात्रक है। तो ऑप्शन ए में स्थिर पानी का आयतन, बी में बहते पानी का आयतन, सी में मिट्टी का आयतन और डी में गैस का आयतन। तो इसका सही आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्यूसेक का एसआई मात्रक बताना है। आप लोग जल्द इसको बताइएगा और मतलब हम मुझे भी पता है कि आप लोग एकदम सही सही बताएंगे। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में है कि जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर, कोष, कक्ष, तीनों। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, यानी कि कक्ष बोलते हैं, ठीक है। जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स गमन करते हैं उसे हम लोग कक्ष कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए कक्ष में कक्ष, ठीक है, याद हो गया ये तो। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है पृथ्वी के केंद्र पर, बी में विषुवत रेखा पर, सी में ध्रुव पर और डी में एवरेस्ट की चोटी पर। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, यानी कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। तो ये रहा आज का 25 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ और मतलब देखिए जब टाइम मिलता हूँ तब मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसा बात नहीं कि मतलब कि देख लो अभी 8:47 हो रहे हैं घड़ी में, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे साफ साफ। और मुझे भी रिस्पॉन्स है कि आप लोग के लिए मैं कैसे भी तैयारी करवाऊँ, शाम हो या दिन हो या रात हो या दोपहर हो, जो भी मैं टाइम नहीं देखता। देखिए जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो बस यही कुछ आप लोग बताना था। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप लोग हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो आप लोग को अपडेट मिलती रहे। तो बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।